आ जाओ बच्चों, आ जाओ। जल्दी से अटेंडेंस लगाओ बेटा, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। आ जाओ बेटा, जल्दी से आ जाओ। कशिश सोनी फ्रॉम मेडिकल, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। जुकाम बेटा बहुत भयंकर लग रहा है, जुकाम की तो पूछो मत। आज लेक्चर भी थोड़ा छोटा लेंगे, जुकाम बहुत तेज है, बहुत तेज जुकाम है बेटा। ऑलरेडी मैंने आपके बहुत लेंथी क्लास ली हुई है, तो आज छोटी क्लास ले भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों ना बच्चों? सही बात है ना, सही बात है कि नहीं बच्चों? ये मेरे बच्चे हैं, ये बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि हमने काफी इतनी लेंथी क्लास ली हुई है, एक आधी क्लास छोटी रह भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता, है ना बच्चों? ये बात, बहुत ही प्यारे बच्चे। बच्ची कह रही सर रेस्ट कर लो। बेटा रेस्ट कहाँ है जिंदगी में, रेस्ट भी करेंगे। वैसे एक दो क्वेश्चन करवा देता हूँ बढ़िया बढ़िया, फिर रेस्ट करेंगे। स्टार्ट करें बेटा क्लास, स्टार्ट करें मेरे बच्चों क्लास, मेरे बच्चों क्लास स्टार्ट करो। चलो चलो बच्चों ने एजेंडी दिखा दिए, बच्चे कह रहे हैं सर क्लास स्टार्ट कर दीजिए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिखो बेटा पहला क्वेश्चन आज का, जबरदस्त तरीके से स्टार्ट करते हैं। आ जाओ पहला क्वेश्चन लो आज जबरदस्त तरीके से। पहला क्वेश्चन क्या बेटा लिखो, 0.9 ग्राम हेलियम। भाई साहब नीट का क्वेश्चन है जबरदस्त, मोल कॉन्सेप्ट और प्लस स्टोकोमेट्री का तड़का। 0.9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, 0.9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट विद HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लिखते जाओ बेटा साथ साथ, टू गिव हाइड्रोजन गैस। द वॉल्यूम ऑफ H2, द वॉल्यूम ऑफ H2 इवॉल्व आउट एट STP कंडीशन पर कितनी हाइड्रोजन गैस निकलेगी, एंड योर ऑप्शंस आर 1.12, 2.24, 2.24 लीटर, ऑप्शन बी 1.12 लीटर, ऑप्शन सी मेरा बच्चा 3.33 लीटर, एंड ऑप्शन फोर 4.48 लीटर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो पहले क्या करेंगे मेरे बच्चा, पहले इक्वेशन बनाओ,
क्योंकि बिना इक्वेशन बनाए ये क्वेश्चन नहीं होगा आपसे, ठीक है मेरा बच्चा। हाँ पहले क्वेश्चन बनाओ, इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन एल्यूमिनियम की रिएक्शन HCl से करो, एल्यूमिनियम की रिएक्शन मेरे बच्चा HCl से करो, HCl से देखो सिखाएं, एल्यूमिनियम की रिएक्शन HCl से करो, ये रहा एल्यूमिनियम HCl, और आपको पता है ये मेटल है बेटा, और मेटल की रिएक्शन HCl से कराओगे तो सॉल्ट बनेगा, अरे मेटल की रिएक्शन एसिड से करवाओगे, एसिड से, ये एसिड है ना, तो क्या बनता है सॉल्ट, और HCl में सॉल्ट कौन सा बनता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, अगर सल्फ्यूरिक एसिड होता तो सल्फेट बनता, नाइट्रिक एसिड होता तो नाइट्रेट बनता, क्लोराइड प्लस कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस, ये बन गया सॉल्ट। ये रिएक्शन 10th क्लास में पढ़ी हमने कि किसी मेटल की रिएक्शन एसिड से होती है तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है, पहले बैलेंसिंग मैंने बोला था ना, अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर करना है बेटा आप स्क्रीन क्लियर हो जाएगी, आप अपना वीडियो क्वालिटी एडजस्ट कर लो, वीडियो क्वालिटी एडजस्ट कर लो 360 पिक्सल या 480 पे, देखो कितने प्यारे बच्चे हैं, पहले ही आंसर निकाल कर बैठे हैं, ऐसे बच्चे चाहिए मुझे, किरसन सेरावत, रिया अग्रवाल, प्रीति सियाग, बहुत ही प्यारे बच्चे, आर्यन यादव, राकेश, बहुत ही बच्चे, बहुत ही बच्चे बच्चे, ठीक है बेटा बैलेंसिंग करते हैं। यहां पर देखो एल्यूमिनियम एक है, यहां एल्यूमिनियम तीन है, यहां पर एक है, पहले थ्री करो, कर दिया, अब देखो बुरा कौन मान गया, देखो यहां पर एल्यूमिनियम वन है, एल्यूमिनियम वन है, एल्यूमिनियम सेटिस्फाई है, हाइड्रोजन यहाँ पर, क्लोरीन यहाँ पर थ्री थे, क्लोरीन यहाँ पर थ्री कर दिए, लेकिन यहाँ पर देखो क्लोर हाइड्रोजन थ्री होते ही हाइड्रोजन यहाँ पे टू है, देखो यहाँ पे टू है, यहाँ पे थ्री है, टू और थ्री को बैलेंस करना हो करो, मल्टीप्लाई कर दो, अरे देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं थ्री, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको थ्री से कर दो और इसको आगे टू से कर दो, टू से करोगे तो टू इंटू थ्री कितना हो गया सिक्स हो गया, ठीक है। अब क्लोरीन बुरा मान गया, क्लोरीन बोला सर मैं छह हो गया, अब ये छह हो गए तो इसको सेटिस्फाई करो, यहाँ टू लगा दो, टू एल सी एल थ्री छह हो गए, अब एल्यूमिनियम बुरा मान गया, एल्यूमिनियम का बोलो यहाँ पर टू लगाओ, बेटा ये रिएक्शन सेटिस्फाई हो गई, क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं है भाई, बैलेंसिंग समझ में आ गई ना, यस नो बोलो मेरे बच्चों, जुकाम लग रही है पहले ही, बोलो बोलो। चलो अब देखो, देखो बेटा यहां पे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम होता है 1327, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास होता है 27, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है मेरे बच्चा 27, लेकिन यहां पे एल्यूमिनियम के कितने मोल हैं, टू मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम के दो मोल कितने होते हैं 54 ग्राम, देखो एक मोल का वेट 27, भाई एक मोल का वेट कितना होएगा 27, तो दो मोल का कितना होएगा 54 ग्राम, हाइड्रोजन कितनी बन रही है तीन मोल, और दुनिया को पता है तीन मोल हाइड्रोजन का वेट कितना होता है लीटर में, तीन गुना 22.4 लीटर, भाई तीन मोल का मतलब तीन गुना 22.4 लीटर, अब क्या है कैलकुलेशन बैठानी है, मास वॉल्यूम रिलेशन है, मास से वॉल्यूम निकालना है, तो करो क्या करेंगे, पहला स्टेप सर 54 ग्राम एल्यूमिनियम है वो प्रोड्यूस कर रहा है कितना 3 into 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन, मुझे बताओ ये पहली लाइन सभी को क्रिस्टल क्लियर है कि 54 ग्राम एल्यूमिनियम 54 ग्राम एल्यूमिनियम कितने हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है 3 into 22.4 लीटर, क्लियर है मेरे बच्चों, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, प्रीति यादव सॉरी फॉर लेट, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है 54 ग्राम एल्यूमिनियम मेरा बच्चा कितनी हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है 3 गुना 22.4 लीटर, बिल्कुल क्लियर है, तो एक ग्राम कितनी करेगा डिवाइड करो 3 into 22.4 डिवाइडेड बाई 54 हो गया, और एग्जामिनर ने कितने पूछा है
0.9 में पूछा है, तो 0.9 ग्राम कितनी करेगा, मल्टीप्लाई बाय 0.9, इसको सोल्व कर लो। ये लो, कैलकुलेशन बैठानी है और कुछ नहीं है बेटा। स्टोकोमेट्री के क्वेश्चन में मोल कॉन्सेप्ट का बहुत बड़ा रोल है, बस कैलकुलेशन बैठानी है, कुछ भी नहीं करना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस पूरे बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर फेयर नोटबुक में नोट कर लेना इसको। और काफी बच्चे ऐसे हैं जो अच्छे नोट से बना रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आंसर कितना आएगा बेटा, 1.12 लीटर, इसको सोल्व कर लेना, 1.12 लीटर। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत ही प्यारे बच्चे। चलो एक क्वेश्चन और देखो, बेटा ये क्वेश्चन आपको है ना किसी बुक में नहीं मिलेंगे, ये नितेश सर खुद बना के लाते हैं, इसलिए थोड़ा सा अलर्ट होके बैठा करो। जो पिछले नीट जेई के क्वेश्चन होते हैं वो तो आप कर लोगे, है ना, जो क्वेश्चन मैं खुद बना के लाता हूं उन पे गौर किया करो, मजा आता है। ठीक है मेरे बच्चों, आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो। हाउ मच मास, मास मास रिलेशन का देते हैं, अब तक एक ही क्वेश्चन है दिया मास मास रिलेशन का। हाउ मच मास ऑफ ग्लूकोज इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ऑन कंप्लीट कंबस्शन। ठीक है, हाँ बेटा, ग्लूकोज की कंबस्शन रिएक्शन लिख लो। और दुनिया को पता है कि ग्लूकोज की कंबस्शन रिएक्शन हो, और कंबस्शन में ऑक्सीजन तो चाहिए, और ग्लूकोज की कंबस्शन रिएक्शन को आप एक स्पेशल नाम से जानते हो, हमारी बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। थोड़े बायोलॉजी का ज्ञान भी दे देता हूं, है ना, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन, क्या बनता है, पानी और CO2, सबको पता है रिएक्शन, पानी और CO2 बनता है, ATP भी रिलीज होगी, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, एनर्जी निकलेगी ना ATP। करो, अब क्वेश्चन हो गया खत्म। मैंने आपको बताया था ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6, देखो कितने बढ़िया क्वेश्चन है, बच्चे तुरंत आंसर निकाल देते हैं। आर्यन ने आंसर भी निकाल दिया, कृष्ण ने आंसर निकाल दिया 15 ग्राम, ऐसे बच्चे हैं ना बहुत ही जबरदस्त हैं, एक नंबर का आंसर निकालते हैं, अच्छा लगता है जब क्लास में अच्छे बच्चे हो। देखो कितने बढ़िया बच्चे, 15 ग्राम 15 ग्राम, बहुत अच्छे बच्चे करे बेटा। और हाँ देखो ध्यान रखना, दो रिएक्शन होती है, एक एक रेस्पिरेशन, एक फोटोसिंथेसिस, दोनों रिएक्शन एक जैसी होती है लेकिन उल्टा हो जाता है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ये बातें उधर चली जाती, ये बातें इधर आ जाती फोटोसिंथेसिस में। रेस्पिरेशन में क्या होता है, ये इधर होता है वो उधर होता है। दोनों रिएक्शन को बैलेंस करने की एक ट्रिक बताता हूँ, एक कोड याद रखना 666 के नाम से, एक कोड याद रखना 666 के नाम से, चाहे वो रिएक्शन फोटोसिंथेसिस हो चाहे वो रिएक्शन रेस्पिरेशन हो। ये नितेश सर का लॉजिक है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन हो चाहे रेस्पिरेशन की रिएक्शन हो, एरोबिक रेस्पिरेशन की, एक कोड याद रखना 666। और 666 कोड है ना ग्लूकोज मत लगाना, इसमें सबसे बड़ा मॉलिक्यूल कोड है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज पे 666 का कोड नहीं लगाना, बाकी पे लगा देना। 666 का मतलब 6 6 एंड 6, ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है मेरे बच्चा, देख लो कब चेक कर लो, मैं गलत हूं तो बता देना, मैं गलत हूं तो बता देना। रिया अग्रवाल बेटा दोबारा क्रॉस चेक करो, 12 ग्राम नहीं आएगा 15 ग्राम आएगा, क्रॉस चेक करो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों,
तो एक ट्रिक याद रखना नितेश सर की, चाहे ग्लूकोज की रेस्पिरेशन रिएक्शन हो चाहे फोटोसिंथेसिस हो, एक कोड याद रखना 666 के नाम से, और ग्लूकोज पे 6 नहीं लगाना है क्योंकि पहले सबसे बड़ा मॉलिक्यूल है, ठीक है। अदरवाइज ना हो तो मैंने आपको बताया था ट्रिक कि सर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन में सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करो, फिर हाइड्रोजन को करो, फिर ऑक्सीजन को करो। कार्बन को करेंगे तो कार्बन यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 लगा दिया, हाइड्रोजन यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 6 लगा दिया, और ऑक्सीजन में आओगे 12 और 6 18, तो 6 तो यहाँ थी, 12 यहाँ हो गई, ठीक है। बस बैलेंस कर लो बेटा बैलेंस, देखो करें। हाँ, अब क्वेश्चन में मास मास रिलेशन है कि क्या कह रहा है, CO2 कितना बनाना है 22 ग्राम, और यहाँ बन कितना रहा है देखो 6 मोल, इसके 6 मोल बन रहे हैं, और ग्लूकोज का कितना मोल, 1 मोल, है ना। 1 मोल ग्लूकोज का वेट कितना होता है 180 ग्राम, पता होना चाहिए क्योंकि 6 कार्बन का 72, 12 छिंग 72, 22 हाइड्रोजन का 12 और 1 ऑक्सीजन का 16 छिंग 96, कितना हो गया 180 ग्राम आएगा। और ये कितना बनाता है CO2, 6 × 44 कितना होता है 264 ग्राम, इतना ही आएगा बेटा, सही जा रहा हूं मैं? हाँ बिल्कुल सही है। देखो CO2 के 6 मोल बन रहे हैं, 1 मोल का वेट कितना होता है CO2 का 44, क्योंकि कार्बन का 12 और 2 ऑक्सीजन का 32, है ना, 2 ऑक्सीजन का 32 कार्बन का 12 मेरे बच्चा, तो 1 CO2 का वेट कितना होता है मोलर वेट 44, तो 6 मोल का कितना होगा 6 × 44 264 ग्राम, तो बड़ा आसान है, बना लो हिंट कि 264 ग्राम CO2 प्रोड्यूस करनी है तो ग्लूकोज कितना चाहिए 180 ग्राम, है ना, इतना 180 ग्राम ग्लूकोज रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड, ठीक है। देखो लिख लो भाई, 264 ग्राम CO2 अगर बनानी है तो ग्लूकोज कितना चाहिए 180 ग्राम, देख लो मैं अगर गलत हूं तो देख लो, रिलेशन बनाने चाहिए आपको, आने चाहिए बेटा, रिलेशन सीखने पड़ेंगे भाई, 264 ग्राम CO2 बनाने के लिए ग्लूकोज कितना चाहिए 180 ग्राम, मतलब अगर 180 ग्राम ग्लूकोज पूरा कंबस्शन हो गया ना तो CO2 कितना बनेगी 264 ग्राम बनेगी, तो 264 ग्राम के लिए कितना चाहिए ग्लूकोज 180 ग्राम, 1 ग्राम के लिए कितना चाहिएगा 180/264, और कितनी बनानी है CO2 22 ग्राम, तो 22 ग्राम के लिए कितना चाहिएगी मल्टीप्लाई कर दो 22 से, ठीक है, कितने पे जाएगा 11 × 22 कितना बचा, हाँ 11 × 44, ठीक है, 2 पे चला गया 12, 15 ग्राम आएगा बेटा 15 ग्राम ग्लूकोज, ठीक है मेरे बच्चों, आ गया, कोई डाउट नहीं है, संभाल लोगे, अरे संभाल लोगे ना मेरे बच्चों, हाँ ये रिलेशन क्या है मेरे बच्चों, जल्दी बोलो ये क्या है, मास मास रिलेशन, मैंने मास से मास निकाला है, है ना। हाँ अब देखो मजा तो तब आएगा जब नितेश सर इस मास मास रिलेशन को ट्विस्ट करेंगे क्वेश्चन के अंदर, अभी तो ट्रेलर है पिक्चर बाकी है, इस मास मास रिलेशन को मैं मास वॉल्यूम रिलेशन बनाऊंगा, बना दू जल्दी बोलो या सुनो, इस मास मास रिलेशन को मास वॉल्यूम बना दू बेटा, फिर मजा आ जाएगा, हाँ जी बना दो, चलो अभी बना देते हैं इस मास मास रिलेशन को, नितेश सर अभी मास वॉल्यूम बना देंगे, मास वॉल्यूम, लेकिन कैसे बनेगी क्वेश्चन का मैं थोड़ा चेंज कर दूंगा, देखो कि हाउ मैनी लीटर्स, भैया चेंज हो गई, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ O2 इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 इन कंप्लीट कंबस्टन, करो ये लो, सारा खेल कहानी वही है, बस क्वेश्चन को जरा सा चेंज कर दिया, लगाओ दिमाग, बस जल्दी बताओ चैट सेक्शन में आंसर कितना आएगा, क्वेश्चन को जरा सा चेंज कर दिया कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ O2 इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 ऑन कंप्लीट कंबस्शन,
बन गया ना मास वॉल्यूम। अरे भाई साहब मेरे साथ रहोगे तो बहुत कुछ सीख जाओगे, हमारे साथ रहोगे तो बहुत कुछ सीख जाओगे। बताओ आंसर मेरे बच्चों बताओ। रिया अग्रवाल ने आंसर कर दिया है 11.2 लीटर। अभी चेक करते हैं किसका ठीक है किसका गलत। और बताओ रिया को कौन बच्चा फेवर करता है 11.2 लीटर। भाई वाह मजा आ गया भाई साहब, मजा आ गया मजा आ गया। देखो अब मास वॉल्यूम, मास इसका दे रखा है कितना 6 × 44 ग्राम, कितना है 264 ग्राम। 264 ग्राम उल्टा करो अब की बार भाई, 264 ग्राम CO2 प्रोड्यूस करना है तो ऑक्सीजन कितना चाहिए। ऑक्सीजन देखो बेटा 6 मोल है और 1 मोल में कितना लीटर होता है 22.4, तो कितना चाहिए 6 × 22.4 लीटर है ना। हाँ तो 264 ग्राम CO2 को 6 × 22.4 लीटर चाहिए क्या, O2 चाहिए ना, कोई डाउट नहीं है। बहुत प्यारे बच्चे, बहुत ही प्यारे बच्चे भाई। 264 ग्राम CO2 अगर आपको प्रोड्यूस करना है तो CO2 कितना चाहिए, ऑक्सीजन कितना चाहिए 6 × 22.4 लीटर। बहुत ही प्यारे बच्चे, बहुत ही अच्छे बच्चे, ठीक है। तो 1 ग्राम में कितना चाहिएगा 6 × 22.4 डिवाइड बाई 264 है ना, और कितने में निकालना है 22 ग्राम CO2 को कितना चाहिएगा मल्टीप्लाई बाय 22, ठीक है। फिर से वही लॉजिक लगेगा, 11 × 22 कितना बच गया 4, 11 × 44 6 × 24 2 × 4 अरे वाह 11.2 लीटर CO2 ऑक्सीजन चाहिए। बेटा बोलो बोलो, पहले तो एक बात बताओ, आपको नितेश सर का पढ़ाया हुआ समझ में आता है कि नहीं आता, बिल्कुल क्रिस्टल क्लीन होता है कि नहीं होता कॉन्सेप्ट। बिल्कुल क्रिस्टल क्लीन है, चलो बहुत ही अच्छे बच्चे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके लिए हम लाते रहेंगे। अगला नीट का क्वेश्चन सुनो, ठीक है। अगला फिर से नीट का एक क्वेश्चन ला रहा हूं जबरदस्त, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दो क्वेश्चन बना दिए नितेश सर ने, एक ही तीर से दो शिकार कर दिए इस क्वेश्चन के अंदर। मास मास रिलेशन भी बता दिया, मास वॉल्यूम भी बता दिया, मजा आया ना। हाँ एक ही तीर से सीधे दो शिकार हो गए। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे बच्चा कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, नीट का क्वेश्चन है पहली बात तो बता दूं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये नीट का क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं, पिछले साल आया हुआ है 2008 का क्वेश्चन है, नीट 2008 का क्वेश्चन है बेटे 2008 का, आज से 13 साल पहले, ठीक है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मेजर्ड एट 0 डिग्री सेल्सियस
1 atm प्रेशर। बेटा इस कंडीशन को ना एसटीपी कहते हैं। अगर एग्जामिनर सीधा बोल देता है ना मीजर्ड एट एसटीपी तो आपको डरने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि एसटीपी में दो चीजें होती हैं, मैं आपको बता दूं फिर और काइंड इन्फॉर्मेशन जिनको नहीं पता। एसटीपी की फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है और स्टैंडर्ड प्रेशर 1 atm होता है। तो अगर ये दोनों कंडीशन दे रखी है ना तो आप समझ जाओ एसटीपी है और कुछ नहीं है। ठीक है, नीडेड नीडेड टू बर्न, नीडेड टू बर्न 1 liter ऑफ प्रोपेन, और प्रोपेन का फार्मूला होता है C3H8। 1 liter ऑफ प्रोपेन अंडर सेम कंडीशन, कंडीशन सेम है, बताओ कितना आएगा। ऑप्शन दे रहा हूं, पहले बैलेंस कर लेना बेटा। इसमें कार्बन हाइड्रोजन आ रहा है, हाइड्रोकार्बन है, और हाइड्रोकार्बन की कंबस्शन रिएक्शन नितेश सर ने सिखाई थी, है ना। हाँ करो, ऑप्शन चार 10 लीटर, 7 लीटर, 6 लीटर, 5 लीटर। ऑप्शन ए बी सी डी 10 लीटर, 5 लीटर, 7 लीटर, 6 लीटर। यार बच्चे बहुत फास्ट हैं, निकाल भी दिया 5 लीटर। बच्चे मुझे ये बताओ आपने पहले कहीं से सीखा हुआ क्या नहीं है, या मैं मेरे सिखाने से आया है ये? आपने पहले सीख रखा है या फिर मेरे सिखाने से आया है? जल्दी बताओ, अगर मेरे सिखाने से आया है तो मुझे खुशी होगी। जल्दी बोलो मेरे बच्चों। हाँ बिल्कुल ठीक है 5 लीटर। अब बताओ जल्दी, ये आपने पहले से सीख रखा था स्टोकोमेट्री मोल कॉन्सेप्ट का तड़का, या नितेश सर के सिखाने से आया है? अच्छा अच्छा चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, थैंक यू बेटा थैंक यू। देखो क्या ट्रिक बताई थी नितेश सर ने, कोई भी हाइड्रोकार्बन हो पहले तो फार्मूला लिखो, कंबस्शन रिएक्शन क्या कहती है O2 डाल दो, फिर क्या करो दो प्रोडक्ट बनते हैं CO2 और पानी, वाटर बनेगा वेपर, CO2 बनेगी गैस। क्या इंट बताया था, सबसे पहले कार्बन को खुश करो, फिर हाइड्रोजन को खुश करो, फिर ऑक्सीजन को खुश करो, ये बताई थी ट्रिक। कार्बन कितना है 3, यहाँ कितना है 1, 3 लगाओ। हाइड्रोजन कितना है 8, यहाँ लगाओ 4। ऑप्शन देखो कितने हो गए 6 और 4 10, यहाँ कितना आएगा 5 आएगा। बहुत बढ़िया, चलो थैंक यू सो मच बेटा थैंक यू सो मच। ठीक है देखो वैसे तो क्लियर हो गया। अब रिएक्शन किस किस की बात चल रही है, O2 की और प्रोपेन की बात चल रही है। ये प्रोपेन, तो प्रोपेन कितना है 1 मोल और ऑक्सीजन कितना है 5 मोल, ऑक्सीजन कितना है 5 मोल। तो देखो क्या कह रहा है, कितना वॉल्यूम चाहिएगा, तो बड़ा आसान था बेटा ये तो, बहुत आसान था। 1 लीटर को 5 लीटर, ठीक है। देखो 1 मोल को कितना चाहिए 5 मोल, तो सिंपल था 1 लीटर को कितना चाहिएगा 5 लीटर। मोल से मोल का रिलेशन देख लो ना, बड़ा आसान था भाई। 1 मोल को 5 मोल चाहिए तो 1 लीटर को 5 लीटर चाहिएगा, या फिर ऐसे कर लेते। देखो प्रोपेन में एक मोल का मतलब क्या होता है, प्रोपेन का 1 मोल का मतलब 22.4 लीटर, और इसके 5 मोल का मतलब क्या होता है 5 × 22.4 लीटर। बात वही आती घूम फिर के भाई, 22.4 लीटर को कितना चाहिए 5 × 22.4 लीटर, तो 1 लीटर कितना चाहिएगा 5 लीटर। सिंपल था क्वेश्चन, था बी ऑप्शन आ गया।
ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। हाँ एक क्वेश्चन और बताओ, थोड़ा चेंज करता हूँ इसको, मैं मास वॉल्यूम रिलेशन बताता हूँ। मास वॉल्यूम ये था, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन था, वॉल्यूम वॉल्यूम था ना बेटा। ये जो क्वेश्चन दिया था ना अभी, ये जो क्वेश्चन दिया था ये रिलेशन था वॉल्यूम वॉल्यूम। क्या था? वॉल्यूम वॉल्यूम, क्योंकि एक के वॉल्यूम से दूसरे का वॉल्यूम निकाला था। अब इसको थोड़ा चेंज करते हैं। मैं कह रहा हूँ व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मेजर्ड एट दिस दिस एंड दिस, ठीक है, इज रिक्वायर्ड। चेंज करते हैं इसको, चेंज करो इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को चेंज करो मेरा बच्चा। लो कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड एट एसटीपी, टू बर्न 5.8 ग्राम ऑफ प्रोपेन, सॉरी 5.8 ग्राम मत लिखो, 4.4 ग्राम ऑफ प्रोपेन। ठीक है, हाँ तो देखो हो गया, तीन कार्बन का वेट 36 और 8 44 ग्राम, हो गया खत्म। बस 44 ग्राम प्रोपेन होता तो ऑक्सीजन कितना चाहिए, 5 × 22.4 लीटर। 1 ग्राम होता तो डिवाइड बाय 44, और 4.4 ग्राम होता तो मल्टीप्लाई बाय 4.4। ठीक है, कितने पे गया, 10 पे, 5 × 22.4 / 10 कितना आ गया, 5/2, 11.2 लीटर आंसर आएगा इसमें। कितना आएगा बेटा, कर लिया बेटा, 11.2 लीटर आएगा ना। हाँ रिया बेटा थोड़ा सा चेक करो, आप क्रॉस चेक करो, रिया बेटा थोड़ा सा क्रॉस चेक करो, 11.2 लीटर ही आएगा। क्लियर है? हाँ बहुत इजी था। देखो फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये क्वेश्चन ऐसे मैंने मॉडिफाई किया है, थोड़ा चेंज किया कि मैं बोला कि हाउ मच वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड एट एसटीपी टू बर्न 4.4 ग्राम ऑफ प्रोपेन। तो प्रोपेन देखो कितना है, एक्चुअल कंडीशन देखो, प्रोपेन का वेट 12 × 36 और 8 हाइड्रोजन का 8, 44 ग्राम। अगर मुझे 44 ग्राम प्रोपेन बर्न करना है कंप्लीटली तो ऑक्सीजन कितना चाहिए, 5 मोल, 5 मोल का मतलब 5 × 22.4 लीटर। तो देखो यही लिखा है मैंने, 44 ग्राम प्रोपेन को बर्न करना है तो 5 × 22.4 लीटर ऑक्सीजन, 1 ग्राम को बर्न करना है तो डिवाइड बाय 44, और 4.4 ग्राम को करना है तो मल्टीप्लाई 4.4। इसको सोल्व करेंगे तो 11.2 लीटर आएगा। ठीक है मेरा बच्चा, क्लियर है? हाँ चलो बेटा थोड़ी तबीयत खराब है, बाकी कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाँ और हाँ मेरी एक बात और सुन लो, जो हमारा लिमिटिंग स्टोकियोमेट्री और मोल ट्रांसफर का तड़का हो गया, अगला टॉपिक मैं लेकर आऊंगा आपके लिए, ध्यान से सुनना टॉपिक का नाम, बहुत ही जबरदस्त है, आपके फंडे हिला के रख देगा। ये कॉन्सेप्ट का नाम है एल आर और ई आर। ये हमारा लेक्चर नंबर 14 होगा, ये था लेक्चर नंबर 13, अगला होगा लेक्चर नंबर 14। टॉपिक का नाम पहले ही बता के जा रहा हूं, कॉन्सेप्ट ऑफ LR एंड ER। LR का मतलब होता है लिमिटिंग रिएजेंट, ER का मतलब होता है एक्सेस रिएजेंट। बेटा इसके ऊपर नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं और मैं आपको बड़े जबरदस्त तरीके से बताऊंगा, और LR ER के ऊपर याद रखना है आपको क्वेश्चन कैसे टैकल करना है। ठीक है बेटा, कल मिलेंगे बड़े जोश के साथ। हाँ हाँ थोड़ी तबीयत खराब है, इतना लेक्चर सफिशियंट है हमारे लिए। ठीक है बेटा, हाँ सॉरी बेटा, सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर बहुत लंबे लंबे लिए हुए हैं, लेक्चर लेके घंटे के
70 मिनट के, तो कभी कभी तबीयत खराब है तो छोड़ देना चाहिए। ठीक है बेटा, ठीक है, हाँ कल मिलते हैं नए जोश के साथ, नए जुनून के साथ। हाँ टेक केयर बच्चों, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, अटेंडेंस लगा देना। ठीक है बेटा, हाँ और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्लास में आया करो, क्लास में सारे बच्चे आया करो, और कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं करनी है। LRER का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, चलो ऑल द बेस्ट। और प्रीति बेटा आप क्लास के बाद मुझे नोट्स भेजना, कॉन्टैक्ट करना। थैंक यू।